कसौली को अनाधिकृत निर्माण गिराने के कार्य को लेकर फिर से विवाद खड़ा हो गया है। होटल शिवालिक के मालिक ने उनके होटल पर हो रही कार्यवाही को तर्क संगत नहीं बताया और अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही का जमकर विरोध किया। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की आड़ में टीसीपी विभाग नियमों की अनदेखी करते हुए उनके होटल को तोड़ने का कार्य कर रही है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि बिना किसी तथ्यों के उनके होटल के साथ लगती बिल्डिंग को भी उनके होटल के साथ जोड़ा जा रहा है और न्यायालय में तथ्यों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया है जो कि न्यायपूर्वक और तर्क संगत नहीं है। शिवालिक होटल के मालिक वेद गर्ग ने आरोप लगाया है कि टीसीपी खुद ही उनके होटल को 8 मंजिला तो कभी 3 मंजिला बताकर कोर्ट पर प्रशासन को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि उनके साथ टीसीपी द्वारा गलत व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग जल्द बाजी में अपनी नौकरी को बचाने के लिए कार्य कर रहा है और उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर कसौली के होटलों को अवैध निर्माण गिराया जा रहा है। इस कार्यवाही को अमल में लाते हुए एक महिला टीसीपी अधिकारी और बेलदार की हत्या तक हो चुकी है और इस कार्यवाही में हुई कोताही के चलते कई अधिकारी सस्पेंड और ट्रांसफर भी किए जा चुके हैं। यही कारण है कि अधिकारी अब कार्यवाही करते हुए एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। वहीं होटल व्यवसायियों का विरोध अभी भी जारी है। एनजीटी ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, वहां पर जबरदस्ती उन्होंने मेरी बिल्डिंग को 8 मंजिल बताकर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की वहां पर, और वहां पर जो कमेटी ने भी उसी रिपोर्ट को वहां पर सबमिट कर दिया और उस पर ये लड़ते रहे और इन्होंने जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर और अपनी पूरी इन्होंने अपनी मंशा मैलिफाइड इंटेंशन के साथ मुझे हार्म करने के लिए, मुझे तंग करने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मेरे खिलाफ की है इन्होंने। और इन्होंने मेरी बिल्डिंग को जो है जो दूसरे एंटरप्रेन्योर की बिल्डिंग को मेरे साथ जोड़ के इन्होंने उसको तोड़ने के ऑर्डर लिए हैं और मेरी बिल्डिंग भी इन्होंने गलत तोड़वाई है और इनके खिलाफ मैं कहता हूँ कड़ी से कड़ी इनके खिलाफ कार्रवाई करनी होनी चाहिए। ये सब सस्पेंड होने चाहिए जितने भी टीसीपी डिपार्टमेंट के लोग हैं। इनकी वर्किंग इतनी घटिया वर्किंग है कि इनको अपनी नौकरी के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता।